यहाँ पे आम पब्लिक का ध्यान देना चाहिए, क्योंकि कई लोग है ना काफी फ्रस्ट्रेटेड आते आके यहाँ सुसाइड कर लेते क्योंकि उनको यहाँ पे जगह दिखती है। दिस वन इज गुड यार, डन करते हैं। अभी चाय पी ली और ये हमारे साथ में आज सेरू, तो सेरू बहुत अच्छा लगा यार मुझे। प्री वेडिंग और फोटोग्राफी के लिए आप लोग आ सकते हो इधर। लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज एंड गर्ल्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल फरजान व्लॉग में आप सभी का स्वागत है। आई होप यू आर ऑल एब्सोल्युटली फाइन। तो 2022 की पहली वीडियो है यार, मतलब मैं आगे चल रहा हूँ लेकिन आप लोगों को मैं लेट दिखा रहा हूँ क्योंकि शेड्यूल इतना ज्यादा हैक्टिक हो रहा है कि क्या बताऊँ, मतलब नींद तक प्रॉपर नहीं ले पा रहा मैं। आई नो कि नींद लेना इज वेरी इंपॉर्टेंट, बट क्या करें यार, थोड़ा फंसा पड़ा हूँ मैं इस वजह से। लेकिन हाँ, आने वाले टाइम पर बहुत कुछ आप लोगों को देखने को मिलेगा, तो बस इसी काम में मैं थोड़ा फंसा हुआ हूँ। काफी लोग बोलते हैं कि भाई यार आपकी लाइफ मस्त है, मतलब इंस्टा पे भी डीएम करते हैं मुझे, तो भाई मैं बोल रहा हूँ कि ये लाइफ कोई भी जी सकता है, आपको मेहनत करनी पड़ेगी, वर्क हार्ड। 2022 स्टार्ट हो चुका है, जिस जिसके जो जो ड्रीम है उसके लिए आप लोग मेहनत करो। भाई मैं बहुत ज़्यादा मेहनत करता हूँ, मैं बोलना नहीं चाह रहा था लेकिन काफ़ी लोग बोलते हैं, इस वजह से मैं बता रहा हूँ आपको कि 14 मिनट की वीडियो और 15 मिनट की वीडियो आप देखते हो, उस वीडियो के बीच में बहुत कुछ देखने के लिए मिलता है। मैं सारी चीज़ें कैमरे के अंदर शूट नहीं कर पाता, मैं अच्छी अच्छी चीज़ें दिखाता हूँ कि जो मेरी ऑडियंस है, जो मुझे देख रही है, वो मुझसे कुछ ना कुछ सीखे। इंटरटेनमेंट वगैरह मैं आप लोगों के सामने दिखाता हूँ, मैं मजाक करता हूँ, मैं मजे लेता हूँ, किस लिए? क्योंकि हाँ यार, अगर आप आ रहे हो तो कुछ चीज़ सीखो और इन्जॉय करो उस पल को जो मैं मेरी आईज से देख रहा हूँ। जो लोग, काफ़ी लोग हैं जो घर पर हैं, जो नहीं देख पाते, उनको मैं दिखा रहा हूँ। तो बस यार यही है कि किसी की लाइफ में आप जाकर बोलते हो कि यार आपकी लाइफ बढ़िया है, तो भाई सबकी लाइफ मस्त है। ऊपर वाले ने दो हाथ दे रखे हैं, दो पैर दे रखे हैं, दो आईज दे रखी है। इस दुनिया में यार बहुत लोगों के पास बहुत कुछ नहीं है, तो जिस हाल में भी जो भी है आप हैप्पी रहो, और अगर आपको लाइफ अच्छी बनानी है तो उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। तो बस मेहनत करो, आप सब अचीव कर पाओगे। और इंसान लालची है, इसको इंसान को कभी भी दो, इंसान कभी भी सेटिस्फाई नहीं होगा। फॉर एग्जांपल मेरा ले लो यार, मैं कभी कभार पता नहीं मेरे खुद की अजीब सा हो जाता है। अभी मैं GoPro Hero 8 यूज़ कर रहा हूँ, मेरे को GoPro 10 की बिल्कुल नीड नहीं है, लेकिन मैं बुक कर दिया, पता नहीं क्या हुआ मेरे, मैं बाद में देखा यार मैंने फालतू में बुक कर दिया। वाई यू वेस्ट फॉर मनी, मेरे पास GoPro Hero पैसा क्यों वेस्ट करूँ बिना फालतू में? तो इंसान लालची होता है, इसको कभी भी कुछ भी चीज़ दे दो, ये कभी भी सेटिस्फाई नहीं रह पाएगा। तो बस बाबा फरजान का ज्ञान आई होप कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा। और आज मेरी फैमिली ट्रिप होने वाली है, अगर आज मैं अगर फ्री हो गया तो ठीक है, नहीं तो मैं कल निकल जाऊँगा। तो वीडियो में बने रहिए आप लोग, काफ़ी मज़ा आने वाला है, काफ़ी चीज़ें एक्सप्लोर करेंगे। जस्ट अभी मैं ट्राइटन जा रहा हूँ, ट्राइटन में काम है कुछ और काफ़ी सारी चीज़ें भी लेनी है यार, और आगे का प्लान है काफ़ी सारा, और भी बहुत काम है ट्राइटन में जाके, तो लेट्स सी। और कुछ शॉपिंग भी करनी है, और ट्रैफिक बहुत ज़्यादा हो रहा है, और फ्लाईओवर का भी काम चल रहा है। वो भीड़ बहुत ज़्यादा हो रही है। अच्छा पता है तुम्हारे को, ऊपर से गिर गया था वो कमरा, उस साइड से गिरा था, वो ऊपर से गिरा था और नीचे आके गिर गया था। और मास्क लगाना ही पड़ेगा मुझे, तो कोल्ड ड्रिंक है मेरे हाथ में, तो डी मार्ट जाना है, शॉपिंग करना है, तो चलो फिर करते हैं। और परेशान करोगे यार, और हम ज़्यादा परेशान नहीं करेंगे हम लोगों ने। चलो मुझे सफोकेशन हो रहा है भयंकर, बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है साइड में। हाँ, क्योंकि काफ़ी क्राउड हो रहा है इधर, तो इस वजह से हम लोगों को काफ़ी ना प्रॉब्लम्स हो रही है, क्योंकि सफोकेशन तो ऑब्वियसली होगा क्योंकि विंटर चल रहा है, तो एसी वगैरह तो कुछ है नहीं। फाइनली शॉपिंग हो चुकी है, और अब जो काम है वाला काम कर कर आना है, तो लेट्स सी। और मेरे को निकलना है वापस चूरू, इसलिए ट्राइटन की पार्किंग के अंदर हूँ, और मेरी गाड़ी उस साइड के अंदर खड़ी हुई है, तो गाड़ी लेकर और मैं जाऊँगा। जैसे कि आप लोग देख सकते हो, मतलब अभी भी डेथ होने के बाद भी यहाँ पर नेट नहीं लगी, नेट लग जानी चाहिए थी कब की, उस दिन ही लग जानी चाहिए थी, बट नहीं लगी। क्यों लगनी चाहिए, बहुत गलत है, और यहाँ पे आम पब्लिक का ध्यान देना चाहिए क्योंकि
कई लोग है ना काफ़ी फ्रस्ट्रेटेड आते आके यहाँ सुसाइड कर लेते हैं क्योंकि उनको यहाँ पे जगह दिखती है। इफ़ यहाँ नेट वगैरह लगेगा तो वो सोचेगा कि यार मैं सुसाइड करूँगा तो बच जाऊँगा, उसके बाद मेरे साथ में क्या होगा। तो मैं तो ये कहती हूँ ट्राइटन के यहाँ पे ध्यान देना चाहिए और है ना अच्छे से नेट वगैरह का इंतजाम करना चाहिए क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी 4 से 5 डेथ पहले हो चुकी है। हो चुकी है जब तो से ट्राइटन कोई सुसाइड करना चाहेगा ना वो डायरेक्ट यहीं आके सुसाइड करेगा। ऑफ कोर्स यार ये चीज़ कब की हो जानी चाहिए थी बट क्या बोल सकते हैं। तो ठीक है चलें यहाँ से निकलते हैं और मुझे निकलना है क्योंकि लेट बहुत ज़्यादा हो चुके हैं और चूरू भी निकलना है मुझे। क्रेटा को दे रखी है सर्विस पे, अभी है इयोन, बहुत टाइम बाद इसको यूज़ कर रहा हूँ मैं। अभी ज़रा के अंदर हूँ, लेट्स सी अभी देखता हूँ। अभी तो फ़िलहाल ये है, एक ये ले रहा हूँ मैं और एक ये, चलो एक बार मैं पहन के फिर देखता हूँ। तो दिस वन इज़ गुड एंड ये मुझे अच्छा नहीं लगा, तो ये डन और ये अच्छा नहीं लगा मुझे तो इसको डन करते हैं। दिस वन इज़ गुड यार, ले लेंगे। अच्छा लग रहा है, अच्छा नाइस पीस है, नहीं बहुत प्यारा लग रहा है, तो ये वाला ज्यादा बेटर लग रहा है। मैं जयपुर टू सीकर वाले हाईवे पे हूँ और सामने एक बस चल रही है जैसे कि आप लोग देख सकते हो। तो टाइम पर ये लेट हो चुकी है इसलिए अब इसको टाइम पर पहुँचना है। तो अब ये जो ड्राइवर है इससे जितनी स्पीड ये भगा सकता है ना गाड़ी को उतनी तेज भगाएगा। अभी कम से कम स्पीड चल रही है ये 120 से अबव चल रही है गाड़ी। तो ये रेस कर रहे हैं, देखो सवारी उठाने के चक्कर में। सबसे बकवास चीज़ तो मुझे ये लगती है जो आप ये साइड के अंदर देख रहे हो ना, मतलब इधर तारबंदी होनी चाहिए। जयपुर टू चूरू वाले हाईवे पे, सीकर वाले हाईवे पे बहुत ज़्यादा एक्सीडेंट होते हैं। ये पूरा ओपन है, एकदम गाय या कुछ भी बैठी हुई रहती है ना तो दिखती नहीं है। अभी तो चलो दिन है इस वजह से, अदरवाइज अगर नाइट रहती है ना तो बिल्कुल नहीं दिखती है। इस चीज़ पर यार काम करना चाहिए। तो जस्ट अभी सुसु ब्रेक हुआ है, गाड़ी में चला चुका हूँ 127 किलोमीटर। तो बैक साइड के अंदर देख सकते हो भैरू जी का मंदिर है ऊपर की साइड। लेट्स सी अभी ऊपर जाते हैं और आप लोगों को दिखाते हैं। और यार प्रॉपर्टी काफ़ी अच्छी बना रही है यार इस साइड के अंदर ही। आप GPS के ऊपर डालोगे सकम्बरी माता जी का मंदिर या भैरू जी का तो आपको मिल जाएगा। फेरो तो रिसोर्ट्स के अंदर मैंने अभी ब्रेक लिया है, काफ़ी अच्छी प्रॉपर्टी बना रखी है यार इस साइड के अंदर। स्विमिंग पूल है भैया, इधर सकम्बरी माता का भी ऊपर ही मंदिर है क्या, और भैरू जी का भी, दोनों का ऊपर है। अच्छा भैरू जी का इधर और सकम्बरी माता का ऊपर है और ये ऊपर विंडमिल लग रही है। तो ये जो आपको इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई होती है जो उससे होती है क्या? अच्छा थोड़ा बहुत रहता है, अभी ऊपर जा सकते हैं ना। अभी चाय पी जा रही है। Don't know what to do anymore. I'm out of options, nothing's working. I'm out of service. Come help me now, I'm fucking nervous. I'm trying but can't scratch the surface. So keep my... तो इस डॉग का नाम सेरू है और काफी एंजॉय कर रहा है यार। मतलब मेरे को हाफ एन आवर हो गए इधर, मन नहीं कर रहा इधर से जाने का और मैं सोच रहा हूँ कि थोड़ी सी धूप और आ जाए क्योंकि ऊपर फॉग हो रहा है इस वजह से। और चाय पी जा रही है अभी और हमारा मोटू मोबाइल के अंदर लग रहा है। हाँ जी
नींद पूरी नहीं हुई इस वजह से, लेकिन मोबाइल पहले चलाना है, बताओ यार। अभी चाय पी ली और ये हमारे साथ में आज सेरू, तो सेरू बहुत अच्छा लगा यार मुझे, मन कर रहा है मुझे मेरे वाले डॉग की याद आ गई। हाँ ए छोटा सा बाबू। इसके साथ में मैंने बहुत खेला यार, मैं ऑफ कैमरा बहुत ज़्यादा खेला इसके साथ में, और प्रॉपर्टी जैसे कि आप लोग देख सकते हो बहुत ब्यूटीफुल है, मतलब गांव के अकॉर्डिंग बहुत ज़्यादा अच्छी है ये। ओनर है भैया इस होटल के, और ऊपर पहाड़ी पे जा नहीं सकते क्योंकि काम चल रहा है रोड का, है ना। तो भैया ने बोले भैया वीडियो बना रहे हो तो क्या है, तो मैंने बोला भैया मेरा छोटा सा चैनल है तो आपको मैं दिखाता हूँ, सब्सक्राइब करना। तो सेल्फ प्रमोशन चालू हो चुका है, तो भैया को भी सब्सक्राइब करवाते हैं। तो भैया खोलो आप यूट्यूब, तो सब्सक्राइब हो चुका है, तो भैया भी हमारे फैमिली का हिस्सा बन चुके हैं। तो भैया वीडियोज़ देखना और आप कमेंट करके मेरे को ज़रूर बताना कि आपको वीडियोज़ कैसी लगती है, और भैया की होटल काफ़ी अच्छी है यार। तो लेट्स सी अगर बाइक राइड कभी करेंगे इस साइड के अंदर, तो ये ड्यू आज फिर से रह चुका है, तो बस अब मैं डायरेक्ट चूरू निकलूंगा क्योंकि जाने का कोई सेंस वाली बात नहीं है ना उस साइड में, कम से कम 12 किलोमीटर की समथिंग, कितना 12 किलोमीटर है ना यहाँ से 12 किलोमीटर है। ओके उस पहाड़ी के ऊपर जाना है लेकिन नहीं जा सकते, बैड लक। और चूरू को जाकर पूरा एक्सप्लोर करेंगे, तो पार्ट में वीडियो होगी ये, और आगे का भी काफ़ी सारे प्लान्स हैं तो आप लोगों को पता चलता रहेगा। और उदयपुर में काफ़ी मज़ा आया, सोलो ट्रेवल था, बहुत कुछ सीखा मैं उधर जाकर, अकेला ट्रेवल करा, काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स हुई, अकेला लड़ा। तो ट्रेवल अगर आप करते हो ना, तो ट्रेवल से आप मैच्योरी होते हो। I'm trying but can't scratch the surface. So I'll keep my mouth shut and not listen. Afraid I'll lose you if I. फतेहपुर के इधर स्टॉपेज लिए हैं और ये बावड़ी टाइप में बन रखी है जैसे कि आप लोग देख सकते हो, और इस साइड के अंदर हाईवे है। अंदर से मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, काफी मूवीज की शूटिंग हुई है इधर। तो शेखावाटी एरिया के अंदर आपको ये मतलब जोड़ मिलेंगे, इनको बावरी बोलते हैं। तो आप ये देख रहे हो सिड्डी टाइप के अंदर, तो इसके अंदर दो काम होते थे, मतलब पानी एक तो आता था बारिश का इसके अंदर से जैसे कि इस साइड से, और ये एक तरीके से फिल्टर भी था कि अगर मिट्टी आती थी इसके पानी के साथ में मिट्टी आती थी तो यहाँ ही रुक जाती थी और देन फिर इधर स्टोरेज हो जाता था, तो लेवल भी बताता था और एक तरीके से फिल्टर के अंदर भी यूज़ करते हैं। प्री वेडिंग और फोटोग्राफी के लिए आप लोग आ सकते हो इधर, क्योंकि ओल्ड के अंदर फोटोज़ काफ़ी अच्छी आती है, जैसे कि दिख रहा है आपको वीडियो के अंदर दिख रहा है कि कितना अट्रैक्टिव लग रही है ये जगह, तो हाँ अच्छा है। दिन के अंदर तो गर्मी है अभी और रात के अंदर बहुत ज़्यादा ठंड है, और चूरू के अंदर तो आप लोगों को पता है कि टेम्परेचर कितना खतरनाक डाउन चला जाता है। तो बस यहाँ पर यही है, बावड़ियाँ हैं इस साइड के अंदर, बाकी तो कुछ है नहीं शेखावाटी एरिया के अंदर, बाकी सब बढ़िया है। तो यहाँ से मैं निकलता हूँ अब। थोड़ा सा डर ये लग रहा था कि काफ़ी पुराना है ये इस वजह से, लेकिन इतनी रिस्क वाली बात नहीं थी, इस वजह से मैं कूद गया, पुराने दिन याद आ गए। Let's go.
बाद ये चुरू वाली रोड पकड़ ली, जैसे कि आप साइड के अंदर देख सकते हो पूरा डेजर्ट डेजर्ट है, पूरा डेजर्ट एरिया है, थार एरिया है ये। तो आपको आने वाली वीडियोस के अंदर मैं आप लोगों को दिखाऊंगा बाकी का सब कुछ। और जैसे कि छोटी सी आप देख लो यार साइड के अंदर, मतलब इस साइड में ग्रीनरी है, आगे जाके ग्रीनरी पूरी खत्म हो जाएगी। स्वागत है आप लोगों का चुरू के अंदर। चुरू का मार्केट देख सकते हो आप कैसा है। मतलब यार मैं एक्चुअली, मेरा नानी का घर है यहाँ पर, तो मैं जब से आ रहा हूँ ना यहाँ पर कुछ भी अपडेट नहीं हुआ, जैसा का मैं बचपन से देख रहा हूँ वैसा का वैसा है सेम टू सेम। बस इधर एक रिलायंस फ्रेश खुला है, इसके अलावा एक मॉल बना है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। लाल घंटा घर है जैसे कि आप सामने देख रहे हो चुरू का। तो चुरू की गलियों से आपका फरजान कार व्लॉगिंग करते हुए आप लोगों को सड़कें दिखाते हुए। आशा करता हूँ कि आप लोगों को वीडियो देखने में मजा आया होगा और 360 ऑटो आप लोग सामने देख सकते हो। आगे वाली वीडियोस में मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। अगर यहाँ तक आप लोगों ने वीडियो देखी तो लाइक करना और कमेंट करके हमें जरूर बताना कि आपको कैसी लगती है मेरी वीडियोज। कमेंट और लाइक से यार ये है कि मैं मोटिवेट होता हूँ, बाकी और कुछ नहीं है। कमेंट का यही रीज़न है, मैं इसलिए बोलता हूँ कि कमेंट कर कर बताया करो, मुझे फीडबैक मिलता है। आई होप यू आर एंजॉय दिस वीडियो। लिव योर लाइफ, लिव योर ड्रीम। बाय बाय।